झूठ है ये सब। सुना तुमने? ये सब झूठ है। माँ, हुआ क्या माँ? कह दे अपने भाई से, उसने जो कुछ भी सुना है वो झूठ है, कह देना उससे। अजय, माँ क्या कह रही है? कुछ नहीं भैया, माँ हमेशा की तरह पिताजी के गुनाहों पर पर्दा डाल रही है बस। वो बेगुनाह है, कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, वो बेगुनाह और मासूम है। मैं तुम सबके सर की कसम खाकर कहती हूँ, वो बेगुनाह है। अगर वो सचमुच बेगुनाह थे तो फिर हम सबको छोड़कर चले क्यों गए? हमसे आज तक मिलने क्यों नहीं आए? वो कहाँ छिपे हैं? अब क्या हो गया माँ, चुप क्यों हुई तुम? जवाब नहीं तुम्हारे पास कोई? बोलो, जवाब दो माँ। ये क्या जवाब देंगे भैया, इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, और वैसे भी मुझे इनके जवाब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शकुंतल आंटी सब कुछ बता चुकी है, मैं जा रहा हूं मां। रुक जा अजय, तुम सच्चाई सुनना चाहते हो ना? सुनो, तुम्हारे पिताजी सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान है, लोगों पर उनके बहुत एहसान है। सुना तुमने? उन्होंने एक पवन गुप्ता के चक्कर में आकर हॉलिडे रिसोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। बैंक से उन्होंने अपने नाम पर बेइंतहा कर्जा लिया था। लोगों ने भी उन्हें देखकर लाखों रुपए रिसोर्ट खरीदने में लगा लिए थे, लेकिन सारे चेक्स उस पवन गुप्ता की कंपनी के नाम सिंगापुर जाते थे, और वो फ्रॉड निकला। साख भी गई और पैसा भी। लोगों को ना तो उनका रिसोर्ट मिला, ना तुम्हारे पिताजी को उनका शेयर। लोगों ने तो तुम्हारे पिताजी को ही दोषी जाना। मगर पिताजी ने पुलिस को पवन गुप्ता के बारे में बताया नहीं। उसका कोई फायदा नहीं होता बेटा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। सारे पेपर्स पर दस्तखत तुम्हारे पिताजी के ही थे। लेकिन माँ, अगर पिताजी पुलिस को कंप्लेन कर देते तो हो सकता है कि पवन गुप्ता गिरफ्तार हो जाता। क्यों भैया? सच्चाई की विजय होती और झूठ की पराजय, ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है बेटा, हकीकत में ऐसा कभी नहीं होता। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ऐसा एक युग आएगा, कलयुग, जिसमें हंस दाना चुगेगा और कौवा मोती खाएगा। ये यही युग है बेटा, जिसमें बदमाश, बेईमान, लुटेरे महलों में रहते हैं, और गरीब, सच्चा, नेक, ईमानदार इंसान गली गली ठोकर खाता फिरता है।